प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद काफी हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद अब आरोपियों की धरपकड़ चल रही है। अब तक 68 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों के मकानों की तलाश भी की जा रही है, पड़ताल वहां पर की जा रही है। जिसका भी निर्माण अवैध पाया गया उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इसके साथ ही अटाला एरिया में चलने वाली बिरयानी और खाने पीने की दूसरी दुकानों का भी चिन्हीकरण किया जा रहा है, वहां भी बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी है और वहां पर भी स्थिति का जायजा लिया है हमारे संवाददाता विवेक पांडे ने। प्रयागराज में कल हुए उपद्रव के बाद आज चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स मौजूद है। हम अपने कैमरा पर्सन कहेंगे, दिखाएंगे किस तरीके से ये प्रयागराज का अटाला इलाका है। कल जहां पर काफ़ी हिंसक झड़पें हुई थी, लोगों ने पत्थरबाजी की थी पुलिस के ऊपर, इसमें कई लोग घायल भी हो गए थे और लगातार पुलिस ने इसमें नज़र बनाए रखा हुआ है और कई लोगों को अब तक चिन्हित कर किया जा चुका है। फिलहाल अभी जो घटना हुई थी, घटना की मुख्य वजह में जिनका नाम सामने आ रहा है वो मोहम्मद जावेद करके एक नाम है, जिनका नाम सामने आ रहा है, जिस ये में भी उनका नाम था। लेकिन फिलहाल स्थिति अभी प्रयागराज में सामान्य है और लोग धीरे धीरे अपने दिनचर्या का काम शुरू करें। हालांकि दुकानें अभी बंद हैं पूरी तरीके से, लेकिन आवागमन जो सुचारू रूप से है वो धीरे धीरे आवागमन चल रहा है। जिनको ज़रूरी काम से अपने घरों से बाहर निकलना है वो घरों से अपने बाहर निकल रहे हैं। पुलिस फोर्स पूरी तरीके से मुस्तैद है, RAF और PSC के जवान यहाँ मौजूद हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। पुलिस के जवान गली गली में, जहाँ से कल पत्थरबाजी हो रही थी, लोग पत्थर फेंक रहे थे, ईंट पत्थर फेंक रहे थे, बमबाजी कर रहे थे, उन सारी गलियों का निरीक्षण कर रही है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और किसी तरीके की कोई अभी तक ऐसी घटना सामने होकर निकल के नहीं आई है, लेकिन फिलहाल एहतियात के तौर पर भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है जो चक्के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी है और किसी भी हिंसक झड़प से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कैमरामैन शिवकुमार मौर्य के साथ विवेक पांडे, 8/9 न्यूज़, प्रयागराज।